हेलो गाइस, वेलकम ऑन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कल निफ्टी कहाँ मोमेंटम कर सकता है और हम निफ्टी में कहाँ ट्रेड ले सकते हैं। आज निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने क्या ट्रेड दिए ये और अपने कौन कौन से लेवल्स को फॉलो किया, उसकी मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ। यदि वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो पहले जाके देख लो, क्योंकि आज मार्केट ने अपन को 13 चांस दिए। 13 बार अपन मार्केट ने आज अपने को एंट्री दी, 13 अलग अलग रीजंस दिए। तो वो उन सारे रीजंस को मैंने डिटेल में समझाया है उस वीडियो में, और एक अपना रीजनिंग पैटर्न था, वो पैटर्न आपने देखा या नहीं देखा वो जाके जरूर देखना उसमें। अभी अपन बात करते हैं निफ्टी की, निफ्टी कल क्या मोमेंटम दे सकता है। यदि हम पहले ये देखें कि आज निफ्टी ने कैसी कैंडल बनाई है डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम में आज निफ्टी ने हैमर काइंड ऑफ पैटर्न बनाया है। ये हैमर कैंडल बनाई है आज निफ्टी ने। इसके अलावा ये हैमर कैंडल कब एक्टिवेट होने वाली है, ये हैमर कैंडल एक्टिवेट होगी अपनी 19730 के ऊपर। जैसे ही मार्केट 19730 के ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एक हैमर कैंडल एक्टिवेट होगी डेली टाइम फ्रेम पे। और इसके अलावा अपन एक और चीज देखें तो लास्ट 3 दिन से मार्केट में जो कैंडल बन रही है, निफ्टी में जो कैंडल बन रही है, वो अपने लास्ट कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर रही है। जैसे 20 तारीख को जो हाई लगा उसको मार्केट ने 21 तारीख को ब्रेक नहीं किया, लेकिन 20 तारीख की कैंडल के लो को मार्केट ने 21 तारीख को ब्रेक किया। 22 तारीख, 22 नहीं, 22 को तो रविवार शनिवार था, 24 तारीख को फिर मार्केट ने जो हाई लगाया वो 21 तारीख के हाई से नीचे था, और जो 24 तारीख का लो था वो 21 तारीख के लो के नीचे था। फिर अगले पे बात करें कि आज जो मार्केट ने हाई लगाया वो कल के हाई से नीचे है, और जो आज का लो है वो कल के लो के नीचे है। तो यदि मार्केट कल आज की कैंडल के हाई को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे ये जो एक रीजनिंग पैटर्न बन रहा है कि एक चलन चलते हुए आ रहा है कि मार्केट नेक्स्ट कैंडल के लो को तो ब्रेक कर रहा है लेकिन हाई तक नहीं पहुंच पा रहा है, ये पैटर्न ब्रेक होगा तो हो सकता है कि मार्केट में यहाँ पे एक अपसाइड रैली आ सकती है। वो अपसाइड रैली क्यों आएगी, देखो क्योंकि तो जितने भी सेलर्स है ना जो 20 तारीख से मार्केट में सेलिंग पोजीशन बनाए बैठे हैं, उनका एसएल क्या चल रहा होगा, उनका एसएल चल रहा है लास्ट डे क्लोज अब कैंडल का हाई। जैसे जिसने भी 20 तारीख को पोजीशंस बनाई होंगी उसने 20 तारीख की कैंडल के हाई क्या था, 20,000, 20,000 पे एसएल लगाया होगा। उसके बाद उन्होंने 21 तारीख मार्केट क्लोज करने के बाद 21 तारीख की हाई का एसएल लगा दिया होगा, ये एसएल ट्रेल किया होगा। तो आज की कैंडल क्लोज होने के बाद उनका एसएल कहाँ आ गया होगा, 19730 पे। तो यदि मार्केट 19730 को ब्रेक करेगा तो जितने भी पोजिशनल सेलर है वो मार्केट से आउट होंगे और मार्केट में एक बाइंग प्रेशर आएगा। डेली टाइम फ्रेम पे अपन को देखने पे ये चीज पता चल रही है कि मार्केट में एक हैमर कैंडल है और मार्केट में एक पैटर्न बना हुआ है कि 7:30 के ऊपर हैमर कैंडल भी एक्टिवेट होगी और जितने भी सेलर्स हैं उनका एसएल बीट होगा। अभी अपन अपने सारे लेवल्स को देख लेते हैं कि कौन कौन से लेवल्स बनाए हुए हैं मार्केट में। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, सॉरी आवरली टाइम फ्रेम पे। देखो आवरली टाइम फ्रेम पे एक तो अपने पास मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, सपोर्ट सपोर्ट सब सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, 5 बार मार्केट इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले चुका है। तो यदि मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आता है तो मार्केट हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेगा। और यहाँ पे तो ना एक तो ना ये ट्रेंड लाइन भी है और एक 19,500 का सपोर्ट जोन भी बैठ रहा है कल के लिए है, ये कि 19,500 और ट्रेंड लाइन एक ही लेवल पे बैठ रहे हैं। तो ये कल के लिए यदि मार्केट इस लेवल पर आता है तो आवली टाइम फ्रेम पे अपने को एक तो ये ट्रेंड लाइन दिख रही है, इसके अलावा अपने को और कुछ भी और कुछ दिख रहा है क्या आवली टाइम फ्रेम पे, यदि अपन चार्ट को पढ़ा करें। देखो एक चीज और अपन यहाँ पे फिबो लगा के देखते हैं, एक यहां से ये लोअर पॉइंट है, यहां से बाइंग शुरू हुई थी, उसके मार्केट के बाद मार्केट 20,000 पे गया। देखो यहाँ पे अपने पास एक लेवल और बन रहा है, ओ सॉरी गलती से ये हटा दिया, फिर से लगाते हैं।
यदि अपन यहाँ पे देखें तो फिबो का क्या होता है कि फिबो में जो भी ये अपनी मेन रैली चली है, मेन ट्रेंड अपना ये है, मेन ट्रेंड अपना ये है अपनी रिट्रेसमेंट। और ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक आती है? ये रिट्रेसमेंट या तो यहां तक आ सकती है, यदि जो ये जो मेन ट्रेंड है ना ये बहुत पावरफुल है तो जो अपना रिट्रेसमेंट आएगा वो 0.23% तक आता है। और यदि जो ये लेवल इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है फिबो में, और उसके बाद जो अपने इम्पोर्टेंट लेवल होते हैं ये है 0.5 और 0.6, तो फिबो का क्या रूल है? यदि रिट्रेसमेंट आया है, क्योंकि देखो मार्केट में ए शेप फॉल और ए शेप फॉल और बी शेप रिकवरी बहुत कम चांसेस पे होते हैं, मार्केट में बार बार रिट्रेसमेंट आते हैं। तो यदि मार्केट मेन रैली करने के बाद रिट्रेसमेंट कर रहा है, 0.23 के लेवल पे नहीं रुका, 0.5 के लेवल पे नहीं रुका, क्योंकि देखो ब्रेक किया मार्केट ने, ब्रेक करने के बाद मार्केट इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये जो अपने पास 0.618 का लेवल है ना, मार्केट इस लेवल से एक बार रिट्रेसमेंट तो करेगा ही। तो यहाँ पे जो आज का लो है इस वो है 19616, 19616 भी एक सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट नीचे नहीं आएगा, क्योंकि ये फिबो लेवल है। तो अभी यहां से अपन को आवली में क्या पता चल रहा है कि हो सकता है कि यहां से एक रिट्रेसमेंट आ जाए, थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट आ जाए, यदि ये प्रॉपर डाउनसाइड यदि मार्केट घूम चुका है तो मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर से नीचे आना शुरू कर देगा। और यदि मान लो एक नॉर्मल रिट्रेसमेंट है तो मार्केट यहाँ पे एक वो बना देगा, क्या बोलते हैं अपना, फ्लैग एंड पुल पैटर्न बना देगा। फ्लैग एंड पुल पैटर्न क्या होगा, देखो कैसे होगा, सेकंड देखते हैं वो भी। लेवल तो नहीं हटा ना, यस लेवल हट गया, फिर से लेवल हट गया। कोई ना, फिबो को जाने दो। यहाँ पे एक फ्लैग एंड पुल पैटर्न बन जाएगा ये, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये फ्लैग एंड पुल पैटर्न बनेगा या नहीं बनेगा। अपन को कब पता चलने वाला है कि ये फ्लैग एंड पुल पैटर्न है, जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर दे, उसके बाद ही अपन इसको फ्लैग एंड पुल पैटर्न की तरह लेके चलेंगे, उससे पहले अपन इसको फ्लैग एंड पुल पैटर्न नहीं मानेंगे। ये हो सकता है कि मार्केट 20,000 के लेवल पे फिर से जाए और यहाँ पे एक मेजर एम पैटर्न बना दे, और उसके बाद मार्केट फिर से आना नीचे आना शुरू कर दे। तो मार्केट को करने दो पहले जो भी मार्केट करना चाहता है, उसके बाद अपन ट्रेड लेंगे। तो अपन तो बस यहाँ पे सारी प्रोबेबिलिटीज देखने कि मार्केट क्या कर सकता है और उन चीजों पर हम कैसे रिएक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन एक और चीज देखें, ये फिबो का लेवल 0.6 की मार्केट यहाँ पे सपोर्ट पे है, उसके अलावा यदि अपन एक और चीज देखें तो वो क्या आ रहा है, चार्ट को और बड़ा करते हैं। आज मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट में, देखो इस लेवल को देखो, थोड़ा रंग चेंज कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट में आज मार्केट ने आवली कैंडल्स की क्लोजिंग दी है। पहले मार्केट ने एक हैमर बनाया, दूसरा हैमर बनाया, तीसरी कैंडल शूटिंग स्टार बना दी, चौथी कैंडल फिर से मार्केट ने हैमर बना दी, पांचवी कैंडल मार्केट ने फिर से शूटिंग स्टार बना दी। तो आज मार्केट की सारी कैंडल्स शूटिंग स्टार या फिर हैमर है, तो ये क्या दर्शा रही है कि मार्केट पूरी तरह से कंफ्यूज है अभी। ना ही सेलर्स को पता है कि क्या करना है, ना ही बायर्स को पता है, कोई भी अपनी तरफ मार्केट को लेके नहीं जा पा रहे। तो यहाँ पे फाइट बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है बायर्स और सेलर्स के बीच में। अभी यदि अपन को देखो, आज मार्केट ने बहुत अच्छा पैसा बना के दिया अपन को, यदि मार्केट कल भी इसी रेंज में घूम जाता है तो अपन को एक्सपायरी के दिन बहुत बड़ा पैसा मिलने वाला है। मार्केट एक ट्रेंडिंग मूव दिखाएगा और उस ट्रेंडिंग मूव में अपन बहुत अच्छा पैसा बना पाएंगे, यदि मार्केट इसी जोन में कंसोलिडेट करता है। मैं नहीं बोल रहा कि ऐसे ही ये 20 पॉइंट की रेंज में क्लोजिंग दे सारी कैंडल्स की,
लेकिन यदि यहाँ पे 50-100 पॉइंट की रेंज में भी मार्केट रहता है तो भी मार्केट यहाँ रुपया बना के देगा। ये अपन आवरली चार्ट से देख रहे हैं, भी अपन इंट्राडे में 15 मिनट और 5 मिनट के चार्ट पर भी आएंगे, तो इसको भी अपन हटा देते हैं। अभी अपन देख चुके हैं कि मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है 20 पॉइंट की रेंज में। आज मार्केट ने सारी कैंडल्स क्लोज दी अपनी 1 आवर की। मार्केट फिबो के सपोर्ट पे है, मार्केट में डाउन साइड से ट्रेंड लाइन भी आ रही है। और एक और चीज यदि अपन देखें तो मार्केट में जो फॉल है ना, देखो डेली पे आते अपन, मार्केट सीधा ऊपर गया और मार्केट सीधा नीचे आ रहा है। कभी भी मार्केट ऐसे नहीं चलता, मार्केट में हमेशा रिट्रेसमेंट आती है। तो मार्केट अभी थोड़ा बाइंग साइड में ज्यादा झुका हुआ दिख रहा है, ना कि सेलिंग साइड में। और देखो वो वाली बात लगे कि किसी स्टॉक के रिजल्ट बहुत गंदे आ गए उसके बाद मार्केट घूम गया, तो कुछ कह नहीं सकते। जैसे आईटीसी अपने फेवर में चला था, अपन ने निफ्टी और बैंक निफ्टी को डाउनसाइड के लिए देखा था और आईटीसी 3-4% नीचे आ गया, और अब आईटीसी ने अपना बहुत अच्छे पैसे बनवाए इंडेक्स में। अभी अपन आते हैं वन आवर की जगह 15 मिनट चार्ट में, कि अपन 15 मिनट चार्ट में क्या देख पा रहे हैं। ओके, अपने 2 लेवल्स हट गए। हाँ, फिर से कितने पीछे गए वो, कोई ना बना देते हैं। अरे हो जा भाई, देखो एक लेवल जो अपने यहाँ पे बन रहा है वो बनेगा ये, ठीक। दूसरा लेवल अपना बनेगा ये, अपना तीसरा लेवल बनेगा ये, एट टेन एट फिफ्टीन एट ट्वेंटी वाला जो लेवल है वो। अभी अपन फिर से समझते हैं इनको। तो देखो अपने पहले तो लेवल्स अपन देख लेते हैं कि अपने कौन कौन से लेवल आ रहे हैं, उसके बाद अपन देखेंगे कि मार्केट गैप अप ओपन होता है तो अपन को क्या करना है, मार्केट फ्लैट ओपन ओपन होता है तो क्या करना है, और मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो अपन को क्या करना है। पहले अपन लेवल्स लिख लेते हैं अपने सारे। देखो एक लेवल जो अपने पास निकल के आ रहा है ऊपर से ही 20,000, ये तो कहीं नहीं गया। देखो इसको लिखने नहीं, लिखने और नहीं लिखना बात बराबर है, इसको नहीं लिखते। यहाँ पे अपन इस लेवल से बात करते हैं सीधा। जो सेकंड लेवल है अपना वो है अपना 98.70 से 98.80, ये अपना एक रिजेक्शन जोन है। उसके बाद है अपना 98.15 से 98.25, ये भी अपना रिजेक्शन जोन है। ये इम्पोर्टेंट है, अपन को तभी कल ट्रेड लेना है जब मार्केट इस जोन को ब्रेक करेगा 98.15 से 98.25 के। उसके नीचे अपने पास एक सपोर्ट जोन आ रहा है, वो कितने का आ रहा है, रिजेक्शन जोन ही है सॉरी, वो है अपने पास 97.70 से 97.80, रिजेक्शन जोन है ये भी। और एक है अपने पास 19.700 से 19.710, ये रिजेक्शन जोन है। और सपोर्ट जोन्स की अपन बात करें तो अरे मार्केट में अभी ज्यादा सपोर्ट नहीं है, मतलब सपोर्ट है लेकिन डाउन साइड में। यदि मार्केट उन लेवल्स को ब्रेक भी करेगा ना
तो अपन मार्केट में अभी ट्रेड नहीं लेने वाले। तो अपना अब पहला आएगा 19560 से 19570, एक सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। और डाउन साइड में अपना एक उससे भी नीचे आने वाला है 19500 से 19520 सपोर्ट, इसी लेवल पे 19500 से 19520 पे एक ट्रेंड लाइन भी अपने पास। तो ये सारे लेवल्स हैं। 19870 से 19880 रिजेक्शन की तरह काम करेगा। 19815 से 19825 एक रिजेक्शन है। 19770 से 19780 रिजेक्शन है। 19700 से 19710 एक रिजेक्शन की तरह काम करेगा। 19560 से 19570 सपोर्ट है। 19500 से 19520 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। और इस यहाँ पे एक 19500 से 19520 के बीच में एक ट्रेंड लाइन भी है अपने पास। अभी अपन बात करते हैं, ठीक है अपने लेवल्स देख लिए कि कौन कौन से लेवल्स हैं, लेकिन इन लेवल्स पे प्ले कैसे करना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इन लेवल्स को प्ले करना ही है। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट मींस फ्लैट और हल्का फुल्का नेगेटिव इस जोन में, यदि कल मार्केट इस जोन में ओपन होता है और ब्रेकआउट देता है अपने 19 इस जोन का, 19700 19710 के जोन का, तो अपन को बाइंग साइड में ट्रेड लेना है। तो अपन को बाइंग साइड में ट्रेड लेना है यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है, इस जोन में ओपन होता है, इस जोन में ओपन होने के बाद यदि मार्केट 19710 के लेवल को ब्रेकआउट देगा तो अपन मार्केट में निफ्टी में ट्रेड लेंगे। अपना फर्स्ट टारगेट क्या बनेगा? 19770 का अपना फर्स्ट टारगेट बनेगा। 19770 और 19775 का फर्स्ट टारगेट अपना बनेगा। सेकंड टारगेट बनेगा, तो अपन का फर्स्ट टारगेट ही रखना, सेकंड टारगेट तक का वेट मत करना, क्योंकि यदि मार्केट यहां तक आएगा ना 19825 तक, तो अपन दूसरा ट्रेड ले लेंगे। जरूरी नहीं है, देखो हमेशा ये चीज जरूरी नहीं है कि अपन एक ही ट्रेड में बैठे और उसी ट्रेड में लास्ट तक बैठे रहे। अपन ये भी तो कर सकते हैं ना कि ए से बी तक जाओ, फिर बी से सी तक जाओ, सी से डी तक जाओ। तो अपन को ऐसे ही करना है कि अपन को सारी पोजीशंस यहाँ पे बुक कर लेनी है पहले, और फिर यदि मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट देगा तो फिर से अपन ट्रेड में घुस जाएंगे। तो ये होगी अपनी फ्लैट की कंडीशन। और यदि मार्केट ऊपर जाता है, तो यदि मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो अपन को क्या करना है? तो मेरे भाई देखो, ये ट्रेंड लाइन आ रही है, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, तो हो सकता है कि मार्केट कल यहाँ पे एक सपोर्ट बना दे, इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले ले। वो लेवल क्या होगा अपना? अराउंड 600 के आसपास। तो मार्केट में 600 के आसपास सपोर्ट है, उसके नीचे मार्केट में 560 का 570 के आसपास सपोर्ट है। मतलब कितने पॉइंट का गैप है? बस 30 पॉइंट का। तो जब भी मार्केट में 30 पॉइंट का गैप हो तो अपन ट्रेड नहीं लेते, कम से कम 40 से 45 पॉइंट का तो गैप होना ही होना चाहिए दो लेवल्स के बीच में, तभी उन लेवल्स के बीच में अपन को ट्रेड लेना चाहिए, वरना नहीं लेना चाहिए। तो डाउन साइड में अपन को कब तक ट्रेड नहीं लेना? डाउन साइड में अपन को फ्लैट ओपनिंग की कंडीशन में तब तक ट्रेड नहीं लेना है जब तक मार्केट 19560 के लेवल को ब्रेक नहीं कर देता। अपसाइड का लेवल क्या बैठ रहा है? 19710, और डाउन साइड का लेवल बैठ रहा है 19560 का। जब तक मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद इन दोनों लेवल्स को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक अपन को मार्केट में ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट में अपसाइड से भी तो ये ट्रेंड लाइन आ रही है ना। मार्केट कहीं पे भी रुक जाएगा, कहीं पे भी रुक जाएगा। और जिस हिसाब से मार्केट ने आवरली कैंडल्स दिखाई है, जिस हिसाब से मार्केट कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, उस हिसाब से तो भाई कुछ नहीं बोला जा सकता। हो सकता है कि कल मार्केट आपकी एसएल हंटिंग करे, बार बार ले ब्रेकआउट दे, ब्रेकडाउन दे, ब्रेकआउट दे, ब्रेकडाउन दे। तो इससे बेटर है कि अपन वो सारे लेवल्स चुने कि हाँ भाई मार्केट में जब मोस्टली जो एसएल हो, तो जब नए बायर्स ऐड हो रहे हैं या फिर नए सेलर्स ऐड हो रहे हैं, उससे ज्यादा प्रॉफिट तब होता है जब बायर्स का एसएल हिट हो या फिर सेलर्स का एसएल हिट हो। तो यदि कल मार्केट 19710 को ब्रेक करेगा ना, तो यहाँ पे सारे सेलर्स है ना, उनका एसएल हिट होगा। और यदि मार्केट
यहाँ पे 19560 को ब्रेक करेगा ना, तो यहाँ पे जितने भी लोग बाय करके गए ना आज, आज जितने भी लोग बाय करके गए हैं जिन्होंने इस सपोर्ट पे ट्रेड लिया, जो 10 लाइन के सपोर्ट पे ट्रेड लिया ना जिन्होंने भी, उनका ऐसे लेट होगा। तो जब भी ऐसे लेट होते हैं ना किसी के, तो वहां ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो अपन को कल की डेट में वहीं पे ट्रेड लेना है। ये हो गई अपनी फ्लैट की कंडीशन। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है और 9710 को ब्रेक करेगा तो अपन बाइंग बाइंग साइड में ट्रेड लेंगे, और यदि मार्केट फ्लैट फ्लैट ओपन होकर 19560 को ब्रेक करेगा तो अपन सेलिंग साइड में ट्रेड लेंगे। उसके बाद अपन आते हैं अपनी, और लेवल हट गया। यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है, भाई तो इनको हटाने में बहुत टाइम लग जाता है। ऊपर से लेवल लेवल सड़ जाते हैं बार बार, वो अलग। देखो लेवल्स गया फिर से। अरे भाई कोई ना, चलो हो गए। अभी अपन बात करते हैं कि मार्केट यदि गैप अप ओपन हो जाते हैं तो अपन को क्या करना है। देखो अपन ने ये कंडीशन तो देख ली फ्लैट की, यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन हो जाता है इस रेंज में, तो जो अपन को पता नहीं है कि मार्केट 10 पॉइंट गैप अप, तो 10-15 पॉइंट तो कोई गैप अप नहीं है, 50 पॉइंट गैप अप ओपन होगा, 100 पॉइंट गैप अप ओपन होगा, या फिर 125 पॉइंट गैप अप ओपन होगा। तो अपन को तो बस एक कंडीशन समझनी है कि उस टाइम यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है तो जो ट्रेडर्स हैं जो बाय और सेल करके गए तो उनकी साइकोलॉजी क्या चल रही होगी, वो बस अपन को तो बस ये समझना है। तो यदि मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है इस जोन में, तो अपन को ट्रेड यहां नहीं लेना है, तो अपन को ट्रेड यहां नहीं लेना है। तो अपन को ट्रेड कहाँ लेना है, इस कंडीशन में जब मार्केट 19825 के लेवल को ब्रेक करेगा। किस लेवल को? 19825 के लेवल को ब्रेक करेगा तो अपन को बाइंग साइड में ट्रेड लेना है। और सेलिंग साइड का अपन देखेंगे तो सेलिंग साइड में यहाँ पे कोई है ही नहीं। देखो पहले ये सपोर्ट बन जाएगा, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट बन जाएगी, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन और ये सपोर्ट जोन सपोर्ट बन जाएगा। तो अपन का सीधे ब्रेकडाउन का लेवल क्या आएगा, फिर से यही गैप अप की कंडीशन में भी 19560। यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद यदि 19825 को ब्रेक करेगा तो अपन बाइंग साइड ट्रेड लेंगे, और यदि 19560 को ब्रेक करेगा तो अपन डाउन साइड ट्रेड लेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं कि मार्केट यदि गैप डाउन ओपन हो जाता है तो अपन को क्या करना है। मान लो मार्केट यहाँ गैप डाउन ओपन हो गया, इसका थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। यदि मान लो मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया तो अपन को क्या करना है। यदि कल मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए तो सेलिंग साइड में ट्रेड मत लेना। जैसे अपन ने कल डिसाइड किया था ना कि यदि मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो अपन बाइंग साइड में ट्रेड नहीं लेंगे, सेम वैसे ही आज अपन को डिसाइड करना है यदि मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो जाता है तो अपन को सेलिंग साइड में ट्रेड नहीं लेना है। अपन को बाइंग साइड में कहाँ ट्रेड मिलेगा, यहाँ पे यदि मार्केट गैप अप ओपन गैप डाउन ओपन होता है तो 19710 के ऊपर ही बाइंग साइड का ट्रेड लेना है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ कंडीशन क्या बनेगी कि मार्केट लगातार वन वे, यदि निफ्टी 500 पॉइंट का फॉल दिया है और जितने भी सेलर्स हैं उनको बाहर निकलने का मौका नहीं दिया। देखो बाहर निकलने का मौका नहीं दिया मतलब क्या है, पहला ये मार्केट का पहला स्विंग ये है 20,000 पे, उसके बाद ये स्विंग बनाया मार्केट ने, दूसरा स्विंग बनाया ये, तीसरा स्विंग बनाया ये, और चौथा स्विंग बनाया ये। क्या मार्केट ने एक भी अपने लास्ट हाई को ब्रेक किया? नहीं किया। 15 मिनट में मार्केट ने अपने लास्ट हाई को कभी भी ब्रेक नहीं किया है। तो जितने भी सेलर्स है ना वो ऊपर से अपनी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड फॉरवर्ड करते हुए आ रहे हैं। तो जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा ना, तो सारे सेलर्स अपना जितना भी प्रॉफिट हो रहा है ना उनको 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, या फिर जो भी जितना भी,
वो प्रॉफिट बुक करेंगे और मार्केट से बाहर निकलेंगे। तो मैंने क्या बोला था कि जैसे ही एक पोजी सेलर्स अपना एसएल हिलेंगे तो बाइंग साइड में अच्छा ट्रेड बनेगा, अच्छे रुपए मिलेंगे। तो उसी कंडीशन पे कल अपन को ट्रेड लेना। अपन को कल बस ये नहीं देखना है कि नए बायर्स या फिर नए सेलर्स कहाँ ऐड हो रहे हैं, अपन को बस ये देखना है कि सेलर्स का एसएल कहाँ है और बायर्स का एसएल कहाँ है। कल रुपए वहीं पे बनने वाले हैं। डाउन साइड में का अपन का हो गया कि मार्केट यदि गैप डाउन ओपन होता है तो अपन को सेलिंग साइड में ट्रेड नहीं लेना है, और बाइंग साइड का ट्रेड कहाँ लेना है, 19710 पे। गैप अप यदि मार्केट ओपन होता है, गैप अप की कंडीशन में अपन का बाइंग साइड का ट्रेड एक्टिवेट होगा 19825 पे, और डाउन साइड का ट्रेड एक्टिवेट होगा 9560 के ब्रेकडाउन पे। और यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, फ्लैट ओपन होने की कंडीशन में अपन का लेवल बनेगा 19710 का, और गैप डाउन का ब्रेकडाउन का ट्रेड बनेगा 19560 पे। ठीक है। और इसमें एक और चीज थी जो मैं बताना चाह रहा था लेकिन मेरे माइंड से निकल गई है। कोई ना, तो सारे लेवल्स तो अपन ने देख ही लिए, लेकिन ना यहाँ पे कल मोस्टली चांस हो सकता है कि मार्केट एक रेंज देखो। यदि अपन को ना शुक्रवार को अच्छा सॉरी गुरुवार को अच्छा रुपया बनाना है ना, तो मार्केट को कंसोलिडेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही अपन को गुरुवार को अच्छा पैसा बनेगा। ठीक है। तो अपने लेवल्स एक बार ये देख लो सारे, ये क्योंकि ये लेवल्स ही इंपॉर्टेंट है, इन लेवल्स के अराउंड ही प्ले करना है अपने को। मैं सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या कौन कौन से बैठ रहे हैं, 19700 से 19710 का, ये 500 वाला लेवल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो मैं हाँ अलग अलग कलर से कर देता हूँ इनको। देखो ये 19560 से 19570 का बाइंग साइड में ट्रेड लेना है तो 19700 से 19710 का, और यदि गैप अप की कंडीशन बनती है और वहां पे अपन को बाइंग साइड का ट्रेड लेना है तो 1915 से 19825 का। ये लेवल सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक। और यहाँ पे देखो हाँ फिर से मैं भूल गया, क्या बोलते हैं, मेरे को यहाँ याद आया था लेकिन ओके क्या था कुछ तो था। कोई ना, यदि याद आएगा तो मैं बैंक निफ्टी की वीडियो में बता दूंगा। लेकिन हाँ एक इम्पोर्टेंट चीज थी जो माइंड से निकल गई है। तो कोई ना, अपने को तो ये लेवल्स इम्पोर्टेंट है, इन लेवल्स के अराउंड ही प्ले करना तो अपना रुपये बन जाएगा।